नमस्कार न्यूज रूम लाइव को स्वागत करसुच्छी बात्या यश पश्चिम बंग एवं ओडिशा उपकूल छुईब 25 तारीख में तापर पवन रेग बढ़ा सह प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा नहीं वर्तमान भारतीय पापाग विशेषज्ञ मैंने आकलन करूँ वर्तमान सुधा स्पष्ट होना जे वास्तविक भाव में केते दूर पवन बहब केऊ जिला अफेक्ट हे या नहीं समस्ते वर्तमान आशंक रही भीषण रूप नेब बात्या यश वर्तमान यह आकलन कर 26 तारीख सका पश्चिमबंग ओडिशा उपकूल में पहुंचब यश 25 तारीख रु आरंभ हो बात्यार प्रभाव प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा सह पवन बेग बढ़ एने पूर्वानुमान कर भारतीय पापाग विभाग सेपटे संभाव्य बात्यार मुकबिला राज्य में आरंभ हो प्रस्तुति एसआरसी विभिन्न विभाग सचिवों सह आलोचना कर प्रस्तुत रहा निर्देश देते सेपटे बंगोपसगर संभाव्य बात्या यासपाई अशांत हो पारे समुद्र से गभीर समुद्र को जा मत्स्यजीवी को वर्तमान कूल को फेरी आसवाई निर्देश होने कोस्टगार्ड पक्ष सतर्क कर मत्स्यजीवी मान सचेतन करोस्टगार्ड जवान मैंने विमान जोगे समुद्र भितर को जा मत्स्यजीवी को सचेतन करसंता 26 तारीख सुधा बात्या यास ओडिशा और पश्चिमबंग उपकूल छुईब एने आकलन करेणु यह पूर्व मत्स्यजीवी मैंने समुद्र भितर को भितर पलै आसवाई कोस्टगार्ड पक्ष सचेतन अभियान आरंभ हो वर्तमान जिला प्रशासन समस्त प्रस्तुति आरंभ कर किभली जीरो काजेलुटी को प्राथमिक दि जाऊँगी क्यों क्यों अंचल प्रभावित हो खासकर जितेबाला बात्या आसे ओडिशा रे उपकूलवर्ती अंचल जो मैंने रही बेसी प्रभावित हूँ बालेश्वर कथा कहतु जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर गंजाम भद्रक ये सब अंचल वर्तमान अफेक्ट होगा नहीं जहाँ आशंका करूँ वास्तविक भाव में केते बेगर पवन बहब यह वर्तमान सुधा जमापड़ी ना कारण जितेबाला लघुचाप फॉर्मेशन हम तापर पवन गतिविधि को लक्ष्य कर ही सबकि आकलन स्पष्ट हे कि वर्तमान सुधा यह सूचना आसी पहुंचुची 26 तारीख सका पश्चिमबंग ओडिशा उपकूल छुईब यास 25 तारीख रु आरंभ हो यार प्रभाव एवं प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा सह पवन बेग बढ़ तबे राज्य सरकार वर्तमान संपूर्ण प्रस्तुति आरंभ कर वर्तमान एसआरसी समस्त सचिवों बा सब विभाग सचिवों सह आलोचना कर प्रस्तुत रहा निर्देश देते जो स्थान में तलिया अंचल लोक मैंने रही कि सठिक समय स्थानातर होने गुरुत्व दि जाऊँ बात्या लोकों पाखे कि सठिक भाव में रंधा खाद्य एवं सुखिला खाद्य पहुंचब रिलीफ बंटन करने की वर्तमान प्राधान्य दि जाऊँगी जीरो काजेलुटी को प्राधान्य दि जाऊा एमती एक राज्य पूर्व अनेक बात्या देखी फनी प्रथमतः हूँ 1999 महावात्या फनी फाइलिन तितली हुड़हुड़ एवं अम्फान ये सबको ओडिशा मुकाबला करतमान जो यास आसूसी डरबार कौन से आशंका ना आवश्यक ना प्रस्तुत रहा पड़ो यार मुकाबला पड़ो राज्य सरकार कि क्षमा करेंगे किभली भाव में साइक्लोन मैनेजमेंट सठिक भाव में हो पार एने की चिंता प्रकट कर वर्तमान एसआरसी आलोचना करुछन्ति घन घन बैठक बसुची एवं प्रत्येक जिलार जिलापाल सह आलोचना करा जाउछि या सहित प्रत्येक विभाग सचिवों सह आलोचना करुछन्ति किभली प्रस्तुत रहा पड़ो तलिया अंचल लोकों सठिक समय स्थानांतर कर वर्तमान सूचना आसी पहुंचुची तेरे आसुची बात्या यहाँ भीषण रूप नहीं पारे वर्तमान पापाग विशेषज्ञ मैंने आकलन कर 26 तारीख सका पश्चिमबंग ओडिशा उपकूल यह छुईब 25 तारीख रु आरंभ हो बात्यार प्रभाव प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा सह पवन बेग बढ़ तेरे एसआरसी विभिन्न विभाग सचिवों सह आलोचना कर प्रस्तुत रहा निर्देश देते सेपटे बंगोपसगर संभाव्य बात्या यास अशांत हो पारे समुद्र एथपाई गभीर समुद्र को जा मत्स्यजीवी मान वर्तमान कूल को फेरी आसवाई निर्देश होती एने कोस्टगार्ड पक्ष सतर्क करोस्टगार्ड जवान मैंने विमान जोगे समुद्र भितर को जा मत्स्यजीवी मान सचेतन करसंता 26 तारीख सुधा बात्या यास ओडिशा और पश्चिमबंग उपकूल छुईवा नहीं आकलन कर तबे वर्तमान आप भद्रक रु किसी विजुआल आसी पहुंचे भद्रक जिलापाल तत्परता प्रकाश करते जेहेतु भद्रक जिला रही उपकूलवर्त जिला भद्रक जिते बात्या आसे अनेक अंचल तलिया अंचलगुड़ प्रभावित हूँ ये जिलापाल वर्तमान प्रस्तुति आरंभ कर घन घन बैठक होती एसआरसी आलोचन सामिल होते कि भाव में सठिक समय बात्यार मुकाबला होने की आलोचना हो
ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି। ୟାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଇଏ ସବୁ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହିଁ ବାତ୍ୟା ଆସେ। ଏକରୁ ଏକାଧିକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଫାଇଲିନ୍, ତିତ୍ଲି, ହୁଡ଼ହୁଡ଼, ଅମ୍ଫାନ ଏବଂ 1999 ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନି। ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେ କମ୍ୟୁନିକେସନର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟେଲିଭିଜନ ନଥିଲା, ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା କୌଣସି ଖବର, ଲୋକମାନେ କେବଳ ପେପରରେ ଖବର ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ହୁଏତ କମ୍ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ଯାହାପାଇଁ ବା ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେ ସବୁ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ଇଏ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ୟାସ୍ ଆସୁଛି ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକରେ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଯେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କିଭଳି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଖାସ କରି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ବାତ୍ୟାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟୁଏସ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନଙ୍କ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ବାସଦେବପୁର, ଯେଉଁ ତଳିଆ ବ୍ଲକ ରହିଛି ବାସଦେବପୁର ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଗ ରହିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେହି ବାସଦେବପୁର ବ୍ଲକକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟୁଏସ୍କୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ପୁରା ତତ୍ପର ରହିଛି, କିପରି ଭାବରେ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଚିନ୍ମୟ, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସମୟ ରହିଛି, କିପରି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାହେବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପୁଣି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେପରି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସଜଡ଼ା ଯାଉଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ରକୁ କେଉଁଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ରଖାଯାଇପାରିବ, ସେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସୂଚନା ଦେବି, କିଛି ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର, କାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭଦ୍ରକ ଅଗ୍ନିଶମ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସଜଡ଼ା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପଟ ଏରିଆରେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବ ତାହା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ନଜର ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଯେପରି ଭାବରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଦେଇକି କେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ କରିବ, କିଭଳି ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଖ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ,
तेज जिला प्रशासन आरडब्ल्यूएसएस अधिकारी सहित आलोचना करी सजग रही कहुई जपरी तलिया अंचल जो लोक मैंने किपर भाव में पानी जलर अभाव न रही लोक मैंने पानी जल रूप भाव में वंचित नए से अधिकारी आलर्ट रही कहुई से तलिया अंचल किपर भाव में अधिक रू अधिक पानी जल व्यवस्था करी देखा जावा एनआरजी डिपार्टमेंट भद्रक एनआरजी अधिकारी सहित जिलापाल आलोचना करपर भाव में तलिया अंचल लोक मदि विद्युत सरबराह रही है किपर भाव में किसी क्षयति न हो पानी जल अभाव न रही एनआरजी डिपार्टमेंट सहित अधिकारी सहित आलोचना करपर भाव से अंचल प्रस्तुत रहा इलेक्ट्रिक बिल संजोग होने जिलापाल मुख्य भूमि जो अधिकारी निर्देश देते तेज संपूर्ण भाव में आम मोटामोटी कहींपर जिला प्रशासन वर्तमान तत्पर हो उठी जो तलिया अंचल चांदवाली ब्लक और बासदेवपुर ब्लक जो रही धामर भी रही अंचल किपर जो तलिया अंचल लोक मान आलर्ट सजग रही कहुच्छ जो यदि भी दरकार पड़ो किपर भाव से अंचल जो बात्या आश्रयस्थल को किपर भाव में लोक मान स्थानातर कर जिला प्रशासन एक प्रकार प्रस्तुत रही चिन्मय निश्चित भाव में दीप्ति वर्तमान सरकार प्रशासन पर एक बड़ चैलेंज रहा गोटे पटे कोविड समय एवं आउ गोटे पटे बात्या ये सब कुछ जो आश्रय स्थल को लोक मैंने जाने किभली सामाजिक दूरता रक्षा करोड संक्रमण न हो या गुरुत्व दिज्व या भितर बात्यार मुकाबला तेज दीप्ति फेरी भी आप आलोचना जारी रखा कितु वर्तमान समय हो ब्रेक ब्रेक पर स्वागत न्यूज रूम लाइव रे आलोचना करुचे बात्या यास नहीं दीप्ति आम सहित भद्रक जोड़ी होती दीप्ति आम जमी आलोचना करुले जिला प्रशासन किभली प्रस्तुत रही किंतु वर्तमान एटी वर्तमान प्रश्न आसुची जे जदि बात्या बा उपकूलवर्ती अंचल गुड़िक प्रभावित हो खास करी भद्रक जिलार क्यों क्यों अंचल अधिक प्रभावित होता है निश्चित भाव चिन्मय देखो जदि कही रखी गोटे कथा मान गत वर्ष मासरे ही अम्फान आसीला जहाँकि जो अम्फान बात्यार जो चांदवाली ब्लक तलिया अंचल और बासदेवपुर ब्लक जो धामरा अंचल अच्छी से दुईट अंचल व्यापक भाव में क्षय क्षति होता तेज जदि देखा जावा जो एवर्ष चलित बर्ष जो बात्या संभाव्य बात्या यस को लेकिन जदि प्रभाव रोचे तेल भद्रक जो तलिया अंचल रही चांदवाली ब्लक और बासदेवपुर ब्लक दुईट ब्लक और तलिया अंचल धामरा विशेष भाव में क्षय क्षति हमार संभावना रही तेरे से भाया जो तलिया अंचल जो लोक मैंने रही किपर भाव में इवाकुएसन किपर भाव में सेमकर खाद्यपेय कतु आरंभ कर पानी जल और सब प्रकार सुविधा जगै दिज्व से जिला प्रशासन पक्षर घन घन बैठक बसुच्छ किपर भाव में जो अधिकारी नियोजित करा सूचना रोच प्रशासनिक अधिकारी से अंचल नियोजित किपर भाव में लोक मान समस्या समस्या न न उपजीव से समस्त प्रकार प्रचेषा जारी रही जिला प्रशासन पक्ष तेब ये बर्तमान गुरुत्वपूर्ण सूचना देवी बर्तमान जिला प्रशासन पक्ष जहाँ सूचना मिलू संभाव्य बात्या यस को लेकिन चौबीस घंटिया कंट्रोल रूम खोल और कंट्रोल रूम रे समस्त प्रकार जो चौबीस घंटिया समस्या रही समस्त लोक मैंने फोन नंबर भी जारी कर समस्त जेकोसी लोक मैंने समस्या पड़े से कंट्रोल रूम फोन करके साइपे जहाँ जिला प्रशासन पक्ष जहाँ सूचना मिलू तेज संपूर्ण भाव में आम कहींपर जिला प्रशासन संभाव्य बात्या यस को लेकिन प्रस्तुत करुच्ची जो तलिया अंचल जो लोक मैंने रही आलर्ट कर प्रशासनिक अधिकारी नियोजित कर सूचना रोचे तेज संपूर्ण भाव में जो तलिया अंचल जो प्रशासनिक अधिकारी रही पंचायत लेवल जो मैंने अधिकारी मैंने रही भी आलर्ट कर रही कहुच्छ किपर भाव में जो अंचल विशेष भाव में क्षय क्षति प्रशासन संपूर्ण भाव में आलर्ट रही किभली बात्यार मुकाबला आम सहित जोड़ी रही था परवर्त समय आप फेरी भी आलोचना जारी रखा कितु वर्तमान पारादीप आम सहित जोड़ी होती फोन जगे आम प्रतिनिधि विश्वजीत जोड़ी होती विश्वजीत वर्तमान पारादीप स्थिति कौन वर्तमान जिला प्रशासन जदि देखा उन्नीस अनेशत मसीह बात्या जगत सिंहपुर अंचलवासी केवे भूल ना वर्तमान जो बात्या यास आसुची या को नहीं कि जिला प्रशासन केते प्रस्तुति रही देखो चिन्मय उन्नीस बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर कि कम्युनिकेशन भल ना से जहाँ फिर लोक मैंने बहुत असुविधार सम्मुखीन होते बहुत जन जन जीवन हानि होता कि चलित थर लोक सहित प्रशासन तत्परता देखाई जो अंचल तलिया अंचल हो जो मैंने बात्यार अधिका प्रभाव देखा
ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। निश्चित भाव में विश्वजित कितु जदि देखा समुद्र पारादीप रही मत्स्यजीवी मैंने जाते वर्तमान से केत दूर सजाग करागला एनडीआरएफ टीम एसडीआरएफ टीम और ओड्राफ टीम एम प्रस्तुत रहा कहुई ना नाई कौन रही पूरा घटना कारण वर्तमान सरकार बड़ चैलेंज रेहतु कोविड्र समय जो आश्रयस्थल लोक मान रखर परस्पर भितर सामाजिक दूरता रहीबार आवश्यक रही कारण जदि एकाधिक लोक एक्जुट होती कोविड संक्रमण दुई दुईट आशंका थिबा बेले सरकार बड़ चैलेंज जो मैंने मत्स्यजीवी मैंने जो जामर समुद्र भितर को कड़ाकड़ मना कर समुद्र भितर को बर्तमान जावाई जो मैंने अच्छा तलिया अंचल से किपरी भाव से सुरक्षित से बाहर करापी प्रस्तुति चला जाए जो कहे एनडीआरएफ टीम हो बर्तमान से पहुंची ना कि खूब शीघ्र पहुंचे बोली जिला प्रशासन पक्षर कहु द्वितीय रहा लोक मैंने कोरोना को मानिकी जो जो प्रस्तुति सब चल विश्वजित वर्तमान लोक के भयभीत अच्छा ना बात्यार मुकाबला करने प्रस्तुत अच्छा कारण बात्या केते दूर हेबो एहा तो ही प्रकृतिर तांडव प्रकृति जेते बळे आसे ताकु केही रोकी पारिबेनी किंतु जेहेतु आमे मैनेजमेंट जदि सठिक भाबरे करा जिवो ताले समस्ते ये विपदर टळी पारिबे लोक माने केते प्रस्तुति रहिचंती बा प्रस्तुत अछंती बात्या को मुकाबला करबा पई कारण एटी भयर आउ कथा आसुनी कारण अनेक समय रे जो उपकूलवर्ती जिला गुडीक रहिचंती बा ओडिसा अनेक बात्या देखिछि ये प्रथम घटना नु लोक मान तो बर्तमान एत मात्र भयभीत नहांती एथर से मैंने साहस बांधि एवं बात्यार मुकाबला संपूर्ण भाव प्रस्तुत अच्छा प्रशासन रहाजोग मिलूँ आबुठ बड़ कथा है जो आम एरसमा अंचल जोटा कि आम जगत सिंह जिला एरसमा अंचल से पुणी सन्वेषित महावात्यार सबुठ अधिक क्षति होता से प्रशासन से अधिक गुरुत्व देदीप कथा देखा गले पारादीप स्थित बहुत प्रशासन हाथ में रही कारण जदि किसी आग को हुए बात्या हुए ताप मुकाबला करने संपूर्ण भाव से प्रस्तुत अच्छा निश्चित भाव में विश्वजित आम सहित जोड़ी रही था आलोचना आग को बढ़ावा और जारी रखा कि समय हो वर्तमान गोटे ब्रेक र ब्रेक पर स्वागत न्यूज रूम रे हमें आलोचना करूचे बात्या यास नहीं पारादीप रु आम सहित जोड़ी होती फोन लाइन रे आम प्रतिनिधि विश्वजित जोड़ी होती भद्रक रु दीप्ति अच्छा आलोचना करूचे तबे विश्वजित को पाखक फेरबी विश्वजित वर्तमान पारादीप रे बा जगत सिंहपुर जिले में जो सब बात्या आश्रयस्थल गुड़िक आनुषंगिक व्यवस्था गुड़िक किभली अच्छी वर्तमान सेठारे जो आश्रयस्थल रही सठिक भाव अच्छी ना ना बर्तमान गुड़े आम बात आश्रयस्थल को जा बुलिक देखुली बहुत बहुत जगार जो आम जांच आनुषंगिक व्यवस्था बर्तमान व्यवस्था कर लोक मान लोक रही खावा पीवाई प्रस्तुति चला जाए एनडीआरएफ टीम गोटे सूचना आसाला एनडीआरएफ टीम पहुंची गला आम जो समुद्र मध्यम जीवाई जो आम जी अच्छा मत्स्यजीवी से मना करतर को नजरपाई आब बड़ कथा है लोक मैंने एथरक सचेतन अच्छा लोक मैंने बुझुते लोक मूँ केमी बात्या मुकाबला करी किसी अफिशियल स्थित हुए सेठर निश्चित भाव में विश्वजित जगत सिंहपुर जिलावासी ही वर्तमान जिते बड़े 1999 बात्या होता से ही शिक्षा शिखिंट कि बात्यार मुकाबला करा किंतु जेहेतु तलिया अंचल लोक मैंने रही जदि अधिक रु अधिक बात्या होती पवन रेग अधिक रोचे पाणी आसूरी कौन कर जिला प्रशासन समस्त प्रकार प्रस्तुति करूँ जो आश्रयस्थल गुड़िक रही सफिसीयंट कि कारण जेहेतु कोरोना महामारी समय लोक मितर सामाजिक दूरता रहीबार आवश्यकता रही जदि गोटे आश्रयस्थल एकाधिक लोक रोचे से संक्रमण आशंका करें तो कौटिना कौटि केवल आश्रयस्थल सफिसीयंट ना अगर किसी सरकारी विद्यालय को सरकार वर्तमान हाथ को नेउछन्ते व्यवस्था कराऊ किपर लोक मैंने आसिक सुरक्षित भावे और कोरोना गाइडलाइन को मानी केमी रही पारे आ सब प्रकार सुविधा
खाद्य हौ आसबाबपत्र हौ जेमिति सुरक्षित रही पारिबो तापई मध्य प्रस्तुत चला जाउछ स्कूल मध्य सरकार निज अधीन को लेछन स्थानीय प्रशासन निज अधीन को लेके तार व्यवस्था चलाइछन निश्चित भाव में विश्वजित बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त सूचना पारादीप आम प्रतिनिधि विश्वजित आम सहित जोड़ी होते बात्या नहीं किभली रही प्रस्तुति जिले में से नहीं आमको अधिक आलोचना सहित करुते दीप्ति पाखक फेर चाहिए दीप्ति किसी अपडेट आसूची कि बर्तमान कौन कहुची जे जेहेतु बर्तमान आकलन कर भारतीय पापाग विशेषज्ञ मैंने आकलन कर 26 तारीख बेलू पश्चिमबंग ओडिशा उपकूल छुईब बात्या यस बर्तमान भद्रक केते दूर प्रभाव पकाइब एने किसी अपडेट आसूची कि देखो चिन्मय एपर्त किसी कौन सूचना दि जाए तबे प्रशासनिक अधिकारी बा जिला प्रशासन समस्त अधिकारी मान सहित बर्तमान जिलापाल बैठक करुँच किप जो बात्या जो संभाव्य बात्या रही यस जदि भी भद्रक दे गतिगत कर निहाती भाव में जितेबाला आई एम डी सूचना दब जत ये कहीं कौ आड़ दिग्क गति कर भद्रक जिले में कते प्रभाव पड़ो और जो तलिया अंचल लोक मैंने अच्छा किपर भाव में लोक मूँ सतर्क सूचना करने सहित किपर लोक उद्धार करपर भाव में धनजीवन नष्ट न हो प्रशासनिक अधिकारी समस्त अधिकारी सहित जिला जिलापा बैठक करुँच बर्तमान गुरुत्वपूर्ण बैठक चली जिला जिलापा अध्यक्षतार बर्तमान जिला प्रशासनिक अधिकारी समस्त सहित आलोचना करपर जदि सूचना देवा चाहिए गत भद्रक जिला प्रशासन समस्त प्रशासनिक अधिकारी मानक समस्त ब्लॉक को पठाई जाइला और समस्त ब्लॉक रे जो रही तहसीलदार वर्तमान आपके अटकवाई चाहिए बड़ खबर आसी पहुंचुची जे उत्तर प्रदेश में कोरोना स्थिति नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा करुछंती सीधा सड़क जा नजर पकाइबा जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है हालांकि ये महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है और मरीजों को ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ रहा है। इन सबसे हमारे हेल्थ सिस्टम पर एक साथ बहुत बड़ा दबाव पैदा हो गया है। बनारस तो वैसे भी सिर्फ काशी के लिए नहीं पूरे पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं का एक केंद्र है। बिहार के भी कुछ हिस्से के लोग काशी पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना दबाव बहुत बड़ी चुनौती बनकर के आया। पिछले 7 सालों से यहां के हेल्थ सिस्टम को लेकर जो काम हुआ उसने हमारा बहुत साथ दिया। फिर भी ये असाधारण परिस्थिति रही। हमारे डॉक्टर्स
हमारे हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। आप सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया, खुद की तकलीफ, आराम, इन सब से ऊपर उठकर जी जान से जुटे रहे, काम करते रहे। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। साथियों, इस मुश्किल दौर में बनारस की सेवा में लगे हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने भी, हमारे सुरक्षा बलों ने भी लगातार काम किया है। ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए,